आज सुबह मैसूर डिस्ट्रिक्ट जनरल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस से मिली एक प्रोग्राम का इनका हुआ, जिसमें तमाम नेशनल पार्टियां जैसे कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस और एसडीपीए को मधु किया गया। आर मूर्ति डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी सदर और जेडीएस सिटी प्रेसिडेंट के डी चलवेगौड़ा और इसी तरह बीजेपी के नेशनल मेंबर और कर्नाटक एग्जीबिशन अथॉरिटी के साबिक चेयरमैन बीपी मंजूनाथ और एसडीपी स्टेट जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मजीद शरीक रहे। जब सवाल की बछार शुरू हुई तो तमाम ने पहले मूर्ति ने ये कहा कि जब से सिद्धरामैया हुकूमत आई उनके दौरे इख्तदार में वो तमाम कार्रवाइयां की गई जिससे अवाम अल्नास को बेहतरीन सहूलियत मुहैया हो सके और उन्होंने ये भी उम्मीद जाहिर की कि आइंदा आने वाली हुकूमत भी उन्हीं की होगी। बीबी मंजूनाथ से जब मरकज हो या स्टेट में हो जारी तमाम तकालीफ के बारे में अवामी मसाइल के तलक से चाहे वो दलित भाइयों के तरफ हो रही मजालिम हो या टीपू जयंती के तलक से हो या दीगर मजालिम के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत हमेशा अवामी हुकूमत रही है, ये तमाम का तमाम तमाशा कांग्रेस का किया हुआ है और उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में कांग्रेसी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा और बीजेपी हुकूमत सामने आएगी। इन तमाम के जवाब में चलवेगौड़ा ने जेडीएस की हिमायत करते हुए कहा इन दोनों पार्टियों ने हमेशा अपने आप में तकरार के लिए रखा हुआ है और आने वाले दिनों में जेडीएस की हुकूमत बनेगी। इसके बाद स्टेट जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मजीद ने कहा कि एनआर में कई खामियां हैं, इन खामियों के मद्देनजर इनकी कामयाबी यकीन अपने आप